हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग सो गुड। आज मैं बनाने जा रही हूँ कस्टमाइज्ड ब्राइडल बेस, जो कि पार्लर्स में सीक्रेटली तैयार की जा रही होती है, जिसके हमें इंस्टेंट बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और ये बेस हमारी लॉन्ग लास्टिंग होने वाली है। और हाँ, इसका फिनिश ग्लोइंग फिनिश के ऊपर होगा, बिल्कुल फ्लॉलेस फिनिश के ऊपर होगा। हमें ज़्यादा ब्लेंडिंग के ऊपर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एप्लीकेशन भी इसकी बहुत सिंपल है और ये एकदम फुल कवरेज बेस है। मतलब अगर आपके डार्क स्पॉट्स हैं, पिगमेंटेशन या स्कारिंग वगैरह हो रही है, तो वो भी इस बेस से कवर हो जाएगी। चलिए जी, अब हम जल्दी से अपनी बेस तैयार कर लेते हैं। आपके क्लाइंट्स को ज़्यादा वेट भी नहीं करना पड़ेगा। मुश्किल से 3 से 4 मिनट लगेंगे और आप अपनी ब्राइडल बेस तैयार कर चुके होंगे। चलिए जी, यहाँ सबसे पहले आपको चाहिए होगा कंसीलर। यहाँ मैं कंसीलर ले रही हूँ मिस रोज़ का इन शेड आइवरी 6। कंसीलर आपको पता है हम डार्क स्पॉट्स वगैरह को हाइड करने के लिए यूज़ करते हैं। तकरीबन मैं इसकी यहाँ 2 डिप्स ऐड करूँगी। फिर मैं इसमें प्राइमर ऐड करूँगी और यहाँ मैं फेस इट का HD स्टूडियो फेस प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। प्राइमर हम इधर इसलिए ऐड करें ताकि हमारी बेस बिल्कुल फ्लॉलेस फिनिश के ऊपर है और बहुत आसानी से हमारी स्किन पर बैठ जाए, बहुत अच्छे से सेटल डाउन हो जाए। इसके भी मैंने यहाँ पे 2 पम्प्स डाले हैं। ओके जी, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपने डालना मिस नहीं करनी। मैं यहाँ पे फेस पाउडर ऐड कर रही हूँ, एमिली कॉस्मेटिक्स का प्राइम एंड फाइन मैटिफाइंग फेस पाउडर। ये बस मैं थोड़ा सा स्क्रैच करके डालूंगी, इसकी ज़्यादा क्वांटिटी नहीं ऐड होती। तकरीबन आप समझ लें 1/4 टीस्पून डाला या 3 पिंचेस इनफ होंगी। और मैं ये बेस फेयर कॉम्प्लेक्शन के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे इसका 01 शेड यूज़ किया है। ओके, सो अब टर्न आती है गेम चेंजिंग प्रोडक्ट्स की और वो कहलाती हैं फाउंडेशंस। फाउंडेशंस को आपने यहाँ सही मेयरमेंट में यूज़ करनी है। जितनी मैं बता रही हूँ उतनी ही यूज़ करिएगा, ताकि आपकी जो बाकी चीज़ों की क्वांटिटी है वो अनबैलेंस ना हो सके। तो मैं यहाँ अभी डाल रही हूँ लिक्विड फाउंडेशन और ये कलर कॉस्मेटिक्स की है इन शेड 102, किसी भी लोकल मार्केट से आपको मिल जाएगी। और ये यहाँ पे 1/4 टीस्पून ऐड हो रही है। 1/4 टीस्पून का मतलब है आप 1 टीस्पून के 4 पार्ट्स कर लीजिए और उसमें से 3 को स्किप करके 1 पार्ट ऐड कर दें, तो वो आपका 1/4 पार्ट हो जाएगा। अब जो चीज़ मैं ऐड करने जा रही हूँ, ये असल सीक्रेट है उन पार्लर्स का जिनकी बेस को देख के हम अक्सर शॉक्ड रह जाते हैं। तो ये है क्रायोलॉन की TV पेंट स्टिक। यहाँ मैं इसका FS 45 शेड यूज़ करूँगी और ये फेयर कॉम्प्लेक्शन के लिए है। अगर इससे भी ज़्यादा आप किसी फेयरर कॉम्प्लेक्शन के लिए बना रहे हैं, लाइक हमारे जो पठान लोग होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा गोरे चिट्ठे होते हैं, तो उनके लिए आप क्रायोलॉन का आइवरी शेड यूज़ करेंगे, ना कि FS 45। वरना उमन जो हमारी इंडियन और पाकिस्तानी स्किन टोन के लिए यूज़ किया जाता है फेयर शेड, वो FS 45 होता है। ये यहाँ मैंने कट करके निकाल लिए और ये 1/2 टीस्पून है। अच्छा, यहाँ पे बिल्कुल भी दुख नहीं कीजिएगा कि हमारी स्टिक फाउंडेशन की शक्ल बिगड़ चुकी है। कुछ इसी तरह का हाल हो जाता है कट करने के बाद। अब सारी प्रोडक्ट्स यहाँ पे डल चुकी हैं, अब बस आपने अच्छे से मिक्सिंग करनी है कि हर एक प्रोडक्ट दूसरी के साथ अच्छे से इंटरमिक्स हो जाए और फिर हम इसकी एप्लीकेशन करेंगे। यहाँ मैंने आपको सारी प्रोडक्ट्स बहुत अफोर्डेबल बताई हैं, दिखाई हैं, डलवाई हैं। कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं जो आपको लोकल मार्केट से आसानी से ना मिल सके। अच्छा जी, अब हम एप्लीकेशन कर लेते हैं इस बेस की। यहाँ बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं कि कस्टमाइज बेस की एप्लीकेशन किस तरह से की जाती है, तो यहाँ कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर आपकी स्किन ड्राई है, अगर आपकी फेस के ऊपर बेस फ्लेकी हो जाती है या पैची हो जाती है, तो आपने थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लेना है, बिल्कुल थोड़ा सा अमाउंट। मैं यहाँ स्किन्ज़ा का लोशन यूज़ करूँगी और पहले उसको अप्लाई करके एब्जॉर्ब करना है, फिर जो है हम अपनी बेस की एप्लीकेशन करेंगे। अगर आपकी नॉर्मल और ऑयली स्किन टाइप है तो फिर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एप्लीकेशन करेंगे इस बेस की अपने फेस के ऊपर, अपनी नेक के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी क्रीमी कंसिस्टेंसी हमारी बेस की निकल कर आई है। अब इतनी ही आसानी से या अच्छे से ब्लेंड भी हो जाएगी और ये एकदम फुल कवरेज फाउंडेशन है। आपको इसको बार बार बिल्डअप नहीं करना पड़ेगा, इसकी कोई रीएप्लीकेशन नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कितना थोड़ा सा अमाउंट लिया था और ये बहुत इनफ हो चुका है मेरे एक कंप्लीट हैंड के लिए। अभी भी इस बोल में काफ़ी सारा अमाउंट बाकी, आप इसी तरह पूरे दिन इस बेस को बोल में रख के स्टे करा सकते हैं। ब्लेंडिंग के लिए आप यहाँ पे डैम ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करेंगे और इसी तरह डैबिंग मोशन में जिस तरह मैं आपको करके दिखा रही हूँ, इसी तरह से अपनी बेस की ब्लेंडिंग करेंगे। अभी मेरी स्किन में सेट होना शुरू हो गई है और मैं जब तक ब्लेंड करूँगी जब तक ये मेरी स्किन में अच्छे से सेट नहीं हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं मेरी स्किन में अच्छे से सेट हो चुकी है। अब मैं इसके ऊपर फेस पाउडर लगाऊंगी, इससे क्या होगा आपकी बेस अपनी जगह पे लॉक हो जाएगी और इसको अप्लाई करने से आपकी बेस का टेक्सचर भी बहुत स्मूथ रहेगा, यानी आपकी बेस का फिनिश बहुत फ्लॉलेस रहेगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं जिस तरह से अप्लाई कर रही हूँ, आपने भी इसी तरह से फेस पाउडर अप्लाई कर लेना है। तो ये रहे आप लोगों के सामने हमारी बेस के रिजल्ट्स। आप खुद देख सकते हैं कि हमारी बेस कितनी ग्लोइंग और ड्यूवी फिनिश के ऊपर है और ये लॉन्ग लास्ट करेगी एटलीस्ट 8 से 10 घंटे तक। अगर आप बस इसकी थोड़ी सी कम एप्लीकेशन करें तो आप इससे अपने पार्टी वेयर मेकअप की भी बेस बना सकते हैं। और तो और इसकी कवरेज भी आप लोगों के सामने है। आपने इसको ट्राई करना है और इसके रिव्यूज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करते हुए जाएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब की भी करनी चाहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।